अगर हम सूची निकालेंगे तो इतनी लंबी सूची होगी कि यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएगी। हम तो नहीं रो रहे, हम तो जनता के पास जाके ये नहीं कह रहे कि हमें गाली देते हैं। प्रधानमंत्री हैं भाई, इनके हाथों में तो पूरे देश की बागडोर है, देश की सुरक्षा है। वो इतनी छोटी चीज़ों के लिए रोने लगेंगे तो जनता क्या कहेगी। अब पूरे चुनाव में वो पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान करने के प्रयास में थे, वो चला नहीं। इस बार दो बार चल गया, तीसरी बार अब जनता कह रही है कि अब नहीं चाहते हम ये सब बातें। अब वो चला नहीं तो कल उन्होंने इंटरव्यू दे दिया कि क्या कहा उन्होंने, कहा कि अगर मैं ऐसी बात करता तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं होता। गलत नैरेटिव जो है वो प्रमोट कर रहा है। और गलत किसके हिसाब से? उनके हिसाब से। उनके हिसाब से सही डायरेक्टिव क्या है कि जनता का ध्यान भटका लें, हम जनता को ये सिखाएं कि कोई राजनीतिक दल आके उनकी भैंस चुराएगा या उनका मंगलसूत्र चुराएगा। ये सही डायरेक्शन है, ये सही दिशा है राजनीति का। रायबरेली अमेठी आया करती थी, अब अपने भाई के लिए प्रचार कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अपना मोर्चा कब संभालने वाली है प्रियंका जी? अपने मोर्चे और भाई के मोर्चे में फर्क क्या है, एक ही मोर्चा है। इस वक्त हमारे साथ प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद हैं। चुनाव कहा जा रहा था कि ठंडा पड़ गया है शुरुआत में, लेकिन अमेठी और रायबरेली में जिस तरह से आपने पूरी ताकत झोंक दी है उसके बाद माहौल अलग बन गया है यहाँ का। अब उसके बाद बनाए या उससे पहले, हम तो इस चुनाव की शुरुआत से हम देख रहे हैं कि बहुत गर्म माहौल है और माहौल जनता बना रही है, हम नहीं बना रहे हैं। इस चुनाव में जनता की आवाज़ स्पष्ट उभर रही है और जनता क्या कह रही है कि ये चुनाव हमें अपने मुद्दों पर लड़वाना है, हमें ये सब बाकी जो मुद्दे हैं ध्यान भटकाने वाले इनके बारे में सुनना ही नहीं है। बेरोजगारी की बात करिए, महंगाई की बात करिए, किसानों की बात करिए, मजदूरों की बात करिए, जो आम जनता है, मिडिल क्लास के जो दुकानदार हैं, जो बिजनेस वाले हैं, उनके बारे में बात करिए। तो सब कह रहे हैं कि अब हमें सच्चाई की राजनीति चाहिए, ये मुझे लग रहा है क्योंकि लग चुके हैं। रोजगार को लेकर आपने बात कही, हम जहाँ जहाँ लोकसभा की कवरेज कर रहे हैं वहाँ पर आप एक अंडरकरेंट कह लीजिए या फिर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लहर है बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि हम खासतौर पर छात्रों के बीच में जाते हैं और युवाओं के बीच नाराजगी जरूर है। तो ये जो सबसे बड़ा मोर्चा आपने खोला है बेरोजगारी के खिलाफ, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि विपक्ष जो है वो गलत नैरेटिव जो है वो प्रमोट कर रहा है। और गलत किसके हिसाब से? उनके हिसाब से सही डायरेक्टिव क्या है कि जनता का ध्यान भटका लें, हम जनता को ये सिखाएं कि कोई राजनीतिक दल आके उनकी भैंस चुराएगा या उनका मंगलसूत्र चुराएगा। ये सही डायरेक्शन है, ये सही दिशा है राजनीति का। नौजवान देखो बहुत सतर्क होता है, जागरूक होता है। आज का नौजवान घर पे बैठा नहीं है, वो क्या करता है कि पूरे समय वो देख रहा है कि क्या चल रहा है। अगर आप खबरों पर सही बात नहीं दिख रही है तो वो इंटरनेट पर खोज रहा है, असलियत तो वो जी रहा है ना, सच्चाई उसकी सच्चाई क्या है वो जानता है। वो बेरोजगार है, वो जानता है कि वो शिक्षित है, बीटेक है, बीएससी पास है, एमएससी पास है, रोज़गार नहीं मिल रहा, तो वो सतर्क है। तो आज वो कह रहा है कि देखिए ये सब फिजूल की बातें हमें नहीं सुननी, नेता है हमने बनाया है, हम चाहते हैं कि जो भी नेता हो जिस पार्टी का हो वो हमारी बात करे। तो जनता की आज आवाज़ ये है कि मोदी जी मुद्दे पर आइए, मुद्दे हैं बेरोज़गारी, महंगाई और जो तमाम समस्याएं आम आदमी के सामने खड़ी हैं। अच्छा, लेकिन पीएम तो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो राजनीतिक रूप से बेरोजगार है, इस वजह से वो सबको बेरोजगार कह रहे हैं। देखिए वो तो कहेंगे ही, लेकिन कैसी कैसी बातें कह रहे हैं वो, आपने देखा। अब पूरे चुनाव में वो पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान करने के प्रयास में थे, वो चला नहीं। इस बार दो बार चल गया, तीसरी बार अब जनता कह रही है कि अब नहीं चाहते हम ये सब बातें। अब वो चला नहीं तो कल उन्होंने इंटरव्यू दे दिया कि क्या कहा उन्होंने, कहा कि अगर मैं ऐसी बात करता तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं होता, योग्य ही नहीं होता। आप ही तो कर रहे हैं ये सारी बातें, आज आपने सारी बातें नकार दी, फिर क्या करते हैं, अगले दिन महाराष्ट्र जाते हैं, वहाँ पे फिर से चुनावी सभा में फिर वही बात कहते हैं। तो एक दिन की बात अगले दिन नकारी, अगले दिन की बात उसके अगले दिन नकारी, तो कौन भरोसा करेगा इन बातों पर। पीएम साहब की जो बात है ना, अब उसमें वजन नहीं रहा और देश समझ गया है उन्होंने कितने वादे किए, उन वादों में वजन नहीं था। वादे करने के बाद कह दिया चुनावी जुमला है। आज परिस्थितियां ये हैं कि देश देख रहा है कि आप पूरा जो प्रचार कर रहे हैं उसका आपने खंडन कर दिया एक मिनट में, एक इंटरव्यू में, तो देश क्या कहेगा। हम खुद विपक्ष के नेता जो है हम खुद चौंक रहे कि इनको हो क्या गया, अभी तक तो एक लाइन पकड़े हुए थे, अब उस लाइन का खंडन कर दिया,
अब अगले दिन जाके फिर से वही लाइन पकड़ लिए हैं, तो हमें ही समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो समझते हैं तो उनके लिए अच्छा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो आप उन्हें शहनशाह कहते हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे ये गालियाँ देते हैं इसलिए मैं शहनशाह हूँ, वो ये कह रहे हैं। उनको अगर उनमें सहन शक्ति होती ना तो बहुत बात बहुत अलग होती। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो एक पिछले चुनाव में कर्नाटका के चुनाव में वहाँ गए, सूची निकाली बाकायदा कि ये गाली दी है, ये 90 गालियाँ दी हैं। अरे कौन गाली देता है, मैं तो हमेशा सभ्य बात करती हूँ, मैंने कभी असभ्यता से, हमेशा आदर से, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, एक पद है उनका, पद की भी गरिमा है, पद का भी स्तर है और बड़े हैं। और इस देश में हमें सिखाया गया है कि बड़ों का आदर करना है। मेरे से तो बहुत बड़े हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं, सवाल ही नहीं उठता गाली देने का। बाकी वो क्या कहते हैं, मेरी दादी जी शहीद हुई देश के लिए, उनको देशद्रोही कहते हैं, पिताजी को देशद्रोही कहते हैं, तमाम झूठ फैलाते हैं। मेरे परिवार के एक सदस्य को नहीं छोड़ा। अगर हम सूची निकालेंगे तो इतनी लंबी सूची होगी कि यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएगी। हम तो नहीं रो रहे, हम तो जनता के पास जाके ये नहीं कह रहे कि हमें गाली देते हैं। प्रधानमंत्री हैं भाई, इनके हाथों में तो पूरे देश की बागडोर है, देश की सुरक्षा है। वो इतनी छोटी चीज़ों के लिए रोने लगेंगे तो जनता क्या कहेगी? जनता तो मजबूत नेता चाहती है। अच्छा, सालों पहले आप पिताजी के लिए रायबरेली, आखिरी सवाल है, रायबरेली अमेठी आया करती थी, अब अपने भाई के लिए प्रचार कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अपना मोर्चा कब संभालने वाली है प्रियंका जी? दिलचस्पी है। अपने मोर्चे और भाई के मोर्चे में फ़र्क क्या है, एक ही मोर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद।